तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा। अगर 2008 में आपके पास मोबाइल फ़ोन था, आपने यूट्यूब कुछ भी ऐसा इस्तेमाल किया होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो ये गाना आपने ज़रूर सुना होगा। और साथ में कहानी सुनी होगी रोहन राठौर की, रोहन राठौर जो IIT गुवाहाटी में पढ़ता था और इस गाने को लिखने के 15 दिन बाद वो मर गया। और बहुत कुछ था इस कहानी में, कहानी सच्ची थी या झूठी, रोहन राठौर था या नहीं था, था तो आजकल कहाँ है, क्या कर रहा है, उन सब पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करिए। तो ये गाना जो है वो किसी रोहन राठौर ने नहीं गाया था, ये गाना गाया था गजेंद्र वर्मा ने। लेकिन इसके साथ एक कहानी शुरू हो गई। कहानी कुछ इस तरह से शुरू हुई कि गजेंद्र वर्मा ने वीडियो रिकॉर्ड किया, मतलब इसका गाना रिकॉर्ड किया और इसको क्या कहते हैं पिक्चर्स की स्लाइड शो के साथ यूट्यूब पे डाल दिया ताकि वो अपने प्रोड्यूसर को या किसी को भेज सके। और उसके बाद ये गाना लीक हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि जानबूझ के लीक किया गया, कुछ लोग कहते हैं कि सिंगर ने लीक किया, कुछ लोग कहते हैं प्रोड्यूसर ने लीक किया। सच क्या है नहीं पता फिलहाल। मज़ेदार बात यह कि ये गाना लीक हुआ और उसके साथ ये कहानी बन गई। कहानी ये कि IIT गुवाहाटी में एक लड़का पढ़ता था रोहन राठौर नाम का, जिसने ये गाना, जिसको पता चला कि उसको कैंसर है और वो एक महीने बाद मर जाएगा, और उसने अपनी प्रेमिका के लिए सारा सारे इमोशंस को मिलाकर ये गाना लिखा। और उसकी प्रेमिका ने जब सुना कि वो मर जाएगा तो उसने उसको छोड़ दिया और वो छोड़ के चली गई और वो 15 दिन में ही मर गया एक महीने की जगह। उसके बाद उसकी प्रेमिका ने ये गाना सुना तो उसके बाद इसका एक कवर वर्जन आया था, मैंने मेरे जाना कभी नहीं जाना, उस गाने को उसने गाया और उसके बाद आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। और इस तरह से प्रेमी प्रेमिका दोनों मर गए। ब्रेकअप सॉन्ग था और बड़ा चला, मतलब इस कहानी के चलते हर एक के मोबाइल में और हर एक के पास कहानी के सच मानने के ना मानने के अपने वर्जन। तो IIT गुवाहाटी में उस दौरान या उसके आसपास कभी भी रोहन राठौर नाम का कोई कहा लड़का कोई नहीं था, उसकी कोई प्रेमिका नहीं थी। जब लड़का ही नहीं तो प्रेमिका कहाँ से होगी। और यहाँ तक कि लोगों ने यह भी कहा कि 3 Idiots में जो जॉय लोबो का कैरेक्टर था, जो गाना गाता था बचपन तो गया जवानी भी गई अब तो हमें जीने, तो ये रोहन राठौर को ही ट्रिब्यूट था। पता नहीं कहाँ से ये नई कहानी शुरू हो गई। लेकिन हम आपको एक फैक्ट बताते हैं, ये गाना गजेंद्र वर्मा ने बनाया। और अगर आपका बचपन और जवानी दोनों गए इस विश्वास में, तो एक नया फैक्ट सुनिए कि एक और गाना आया था इसमें, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ये भी गजेंद्र वर्मा का ही गाना है, जिन्होंने वो गाना गाया था। और वो गाना भी वायरल हुआ था, कुछ जब रिलीज़ हुआ था तब उतना वायरल नहीं हुआ था, बाद में उस पर म्यूजिकली और क्या कहते हैं टिकटॉक पे बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए, जिसके बाद गाना वायरल हुआ। फिलहाल ये गाना यूट्यूब पे 450 मिलियन व्यूज़ से ज़्यादा पा चुका है, तेरा घाटा। और जो एम्प्टीनेस वाला गाना है ये बड़ा चल रहा है। और एक समय पे इसका फेसबुक पेज भी था रोहन राठौर के नाम से, उस पेज पे अब अजीब अजीब मोटिवेशन कोट्स आते रहते हैं, अजीब अजीब मोटिवेशन कोट्स आते हैं, अच्छे भी नहीं। और हर साल 6 महीने बाद अगर आप उस पेज को खोल के देखेंगे तो उसका एक नया नाम होता है, उसका नाम बदल चुका होता है, उसका सारा कंटेंट बदल चुका होता है, पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन फिलहाल ये जो कहानी थी, ये जो स्पूफ था, इसने हिंदुस्तान की जनता को खूब मन बहलाया। और आपने हो सकता है कभी इस पर विश्वास किया हो या कभी लगा हो सकता है ये कहानी सच हो। फिलहाल गजेंद्र वर्मा ट्विटर पे हैं, IAM गजेंद्र वर्मा के नाम से उनका वेरीफाइड ब्लू टिक अकाउंट है, बहुत सारे गाने वो रिलीज़ करते रहते हैं फिर। और अब वो अपने आप को तेरा घाटा फेम सिंगर कहते हैं और दुनिया भर में शोज़ करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए। और 2000 और 90s से जुड़ी इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हैं, हमने फेविकोल के विज्ञापनों की एक सीरीज़ की, हम ग्रूमिंग पे बात कर रहे हैं। धीरे धीरे 1 साल पूरा हो गया हमें और हम 5000 सब्सक्राइबर क्रॉस किए, हमारे कुछ वीडियोस 1 लाख से ऊपर गए। तो हम चाहते हैं आपका प्यार इसी तरह बना रहे। अगर आपको लगता है कि हम किन चीज़ों पर बात करते हैं, तो पिछले 2 दशकों में 3 दशकों में जो भी सबसे लोकप्रिय चीज़ें हैं भारतीय संस्कृति में, जो कुछ सबसे लोकप्रिय चीज़ें लोकप्रिय मिथक हैं जो सच नहीं है माने जाते हैं, उन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। तो ये वीडियो देखिए, अच्छा लगे शेयर करिए। धन्यवाद, शुक्रिया।